सब्सक्राइब कीजिए मनीष सक्सेना फोटोग्राफी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना और आज इस वीडियो के अंदर जो है हम बात करने वाले हैं प्री वेडिंग फोटोग्राफी इक्विपमेंट्स के बारे में। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा है कि सर आपके प्री वेडिंग इक्विपमेंट्स हमारे साथ शेयर कीजिए और हमें बताइए आप प्री वेडिंग फोटोग्राफी के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा चलिए इस पर एक वीडियो बनाते हैं और वो सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ जो मेरी मेन प्री वेडिंग फोटोग्राफी इक्विपमेंट्स हैं जिसको लेके मैं प्री वेडिंग फोटोग्राफी करता हूँ। तो आज मैं आपको वो सब इक्विपमेंट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को सभी बिगनर फोटोग्राफर्स और जो फोटोग्राफर्स प्री वेडिंग फोटोग्राफी में अपना करियर ढूंढ रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आज जो मैं हैंडल शूट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मेरा असिस्टेंट आज आया नहीं है तो बस आज मैं कैमरा जो है हाथ में पकड़ के ही शूट कर रहा हूँ। उम्मीद है वीडियो की क्वालिटी आपको ठीक मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप पीछे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे एक टेबल रखी है, उस पर मैंने सारे जो है अपने आप पीछे देख पा रहे हैं, देखिए देखिए आपको टेबल, यहाँ मैंने अपने सारे जो है प्री वेडिंग फोटोग्राफी के इक्विपमेंट्स रखे हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पे और मैं आपको एक एक करके सारे इक्विपमेंट्स दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा आपके साथ अपने लाइटिंग गियर्स जो मैं यूज़ करता हूँ प्री वेडिंग फोटोग्राफी के लिए, और बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ अपने मेन इक्विपमेंट्स शेयर करने वाला हूँ ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि मुझे जो है अगर प्री वेडिंग करना है तो मिनिमम ये इक्विपमेंट्स अगर मेरे पास हैं तो मैं एक अच्छी प्री वेडिंग फोटोग्राफी कर सकता हूँ। तो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये देखिए ये मेरे सारे जो हैं प्री वेडिंग इक्विपमेंट्स जो हैं जिसे मैं यूज़ करता हूँ कोई भी प्री वेडिंग फोटोग्राफी के लिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया जो मेरे लाइटिंग गियर्स हैं मैं उससे शुरुआत करूँगा आज इस वीडियो में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइटिंग गियर है वो है मेरा फ्रेंड्स, ये देखिए आप मैं थोड़ा सा दूर से लेता हूँ कैमरा, ये है मेरा 5-in-1 रिफ्लेक्टर आप देख पा रहे हैं। ये जो रिफ्लेक्टर है फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं ज़्यादातर प्री वेडिंग शूट है वो होते हैं आउटडोर में, और आउटडोर में जो लाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो अगर मिनिमम आपके पास में ये 5-in-1 रिफ्लेक्टर है तो आप इस रिफ्लेक्टर से जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। बैड लाइट के अंदर ये आपको एक्स्ट्रा लाइट जो है बाउंस करके देता है, लाइट को रिडायरेक्ट करके देता है, और अच्छी लाइट के अंदर इसके अंदर एक डिफ्यूज़र होता है जो लाइट को जो है बिल्कुल शॉर्ट बॉक्स की तरह जो है काम करता है आउटडोर लाइट में। तो इसके बहुत बेनिफिट है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने ऊपर लगा दिया है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए कि कैसे 5-in-1 रिफ्लेक्टर जो है हम आउटडोर में यूज़ करते हैं। तो ये था मेरा सबसे इंपॉर्टेंट लाइटिंग गियर प्री वेडिंग के लिए। अब जो मेरा दूसरा फ्रेंड्स इक्विपमेंट है वो है मेरी ये लाइट। तो आप देख पा रहे हैं ये मेरी है, अभी मैंने कुछ 4-5 महीने पहले लिए गोडॉक्स की AD600B, ये आप लाइट देख पा रहे हैं, ये मैं यूज़ करता हूँ। इसका रीज़न ये है फ्रेंड्स इस लाइट को यूज़ करने का, एक तो ये है 600 वॉट्स की लाइट है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। 600 वॉट की होने के कारण जो है आप सन को कम्प्लीटली ओवरपावर कर लेते हैं एकदम हार्श लाइटिंग में, यानी कि आप अभी स्क्रीन पे एक शॉट देख रहे हैं, ये शॉट मैंने करीब 2 बजे लिया है बिल्कुल हार्श लाइट में, और आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे किस तरह से जो है प्री वेडिंग शूट में सन को कम्प्लीटली ओवरपावर किया है। तो बहुत ही अच्छी हमें डिटेल मिली है क्लाउड की भी, और आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे ब्राइड ब्राइडग्रूम है वो भी कितने अच्छे से निकल के आए हैं कलर्स के साथ में। सो कम्प्लीटली जो है ये 600 वॉट होने के कारण जो है सन को ओवरपावर कर लेता है। उसके अलावा फ्रेंड्स इसके साथ में यूज़ करता हूँ ये स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टर जो इसके ऊपर लग जाता है, और इससे बेनिफिट ये होता है फ्रेंड्स कि आप जो है सनलाइट को और जो है नेचुरल लाइट है जैसे सनलाइट और साथ में जो है आपका ये फ्लैश इतना पावरफुल, आप दोनों लाइट को मिक्स भी कर सकते हैं, तो इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं आपकी प्री वेडिंग में। सो ये मेरे एक दो इक्विपमेंट थे, एक 5-in-1 रिफ्लेक्टर, दूसरा मेरा गोडॉक्स का ये AD600B जो लाइट है। और एक कारण और है मेरा इस लाइट को यूज़ करने का फ्रेंड्स, वो ये कि ये बैटरी ऑपरेटेड है, ये आप देख पा रहे हैं पीछे इसमें बैटरी लगी हुई है। यहाँ पे 500 मुझे जो है इसमें पिक्चर्स मिल जाती हैं अगर ये फुली चार्ज पे मैं से एकदम हाई पावर पे शूट कर रहा हूँ, तो ज़्यादातर मेरी पावर इतनी नहीं होती है लेकिन फिर भी 500 जो है इमेजेस मुझे मिल जाती हैं जो कि मोर देन इनफ है एक प्री वेडिंग शूट के लिए। सो ये भी एक कारण है। इसके साथ मैं जो है अपने साथ ही रखता हूँ इसका चार्जर, अगर मुझे ब्रेक मिलता है बीच में और अगर मेरी बैटरी थोड़ी वीक भी है तो मैं यहाँ पे इस चार्जर से अपनी इसकी बैटरी जो है चार्ज कर लेता हूँ। इसके साथ जो मेरा प्री वेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है ये है इसका ट्रिगर फ्रेंड्स एक्सप्रो, ये आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में, ये जो ट्रिगर है फ्रेंड्स ये भी बहुत काम का है, और आप इस ट्रिगर से इस लाइट से एनर्जी लेवल आप सब चीज़ चेंज कर सकते हैं। सो आपको बार बार लाइट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इस लाइट का जो है प्री वेडिंग शूट में एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि आपका असिस्टेंट इसे हाथ में पकड़ सकता है क्योंकि इसमें कोई वायर ही नहीं है फ्रेंड्स, इस तरह से हाथ में पकड़ के जो है आराम से वो जो है आपका असिस्टेंट आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है शूट करते वक्त। सो ओवरऑल ये एक तरह से हमारे लिए बहुत ही एक
आपको ज़्यादा क्रू की ज़रूरत नहीं होती, एक असिस्टेंट काफ़ी होता है। सो ये थे मेरे लाइटिंग गियर्स। अब बात करते हैं हमारे कुछ और गियर्स की जो प्री वेडिंग में मैं यूज़ करता हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा ये मीटर, ये आप देख रहे हैं सिकॉनिक का मीटर है जो मैं लाइट को मीटर करने के काम आता है। तो अगर मैं अपनी सनलाइट और अपनी जो है गॉडॉक्स की लाइट को मिक्स कर रहा हूँ तो ये जो मीटर है फ्रेंड्स ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और मुझे एक एक्यूरेट जो है एक्सपोजर मिलता है अपनी इमेज का। सो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, देखिए बिल्कुल परफेक्ट एक्सपोजर मिला है। तो इस शॉट में मैंने जो है गॉडॉक्स की लाइट और नेचुरल लाइट दोनों को मिक्स किया है तो काफ़ी अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है। उसके अलावा फ्रेंड्स ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये मेरा ग्रे कार्ड है जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपने वाइट बैलेंस को करेक्ट करने के लिए। और वाइट बैलेंस पे मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था, वो भी मैं ऊपर लगा देता हूँ, आप देख लीजिए उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा हो। सो ये बहुत ही सस्ता ग्रे कार्ड है, आप भी खरीद सकते हैं। इससे आपका बेनिफिट ये होता है कि अगर आप डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में काम कर रहे हैं तो आप प्री वेडिंग शूट के अंदर आपका जो वाइट बैलेंस है वो आपको एकदम परफेक्ट मिलेगा, स्किन टोन आपको बहुत अच्छा मिलेगा अपने ब्राइड का और ब्राइड ग्रूम का। उसके बाद जो फ्रेंड्स मेरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा गियर है वो है मेरा ये ट्राईपॉड, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये मेरा ट्राईपॉड है फ्रेंड्स। और ये ट्राईपॉड काफ़ी जो है सॉलिड ट्राईपॉड है, मतलब आप किसी भी लोकेशन पे आप काम कर रहे हो ये ट्राईपॉड आपका बहुत ही अच्छे से साथ देता है। स्पेशली मैं इसे यूज़ करता हूँ पोर्ट्रेट पे या वाइड एंगल शॉट पे जहाँ मुझे लैंडस्केप लेना होता है और मेरे ब्राइड और ब्राइड ग्रूम को दोनों को साथ में रखना होता है, ताकि मैं जो है अगर स्लो शटर स्पीड पे या बैड लाइटिंग कंडीशन में काम कर रहा हूँ जहाँ मेरा जो है शटर स्पीड मुझे काफ़ी स्लो रखनी है, काफ़ी कम रखनी है, तो वहाँ पे ये ट्राईपॉड बहुत काम आता है। और बैड लाइटिंग में भी और शटर स्पीड अगर बहुत ही कम है तो भी मुझे जो है इमेजेस शार्प मिलती हैं बिकॉज ऑफ दिस ट्राईपॉड। सो ये मेरा प्री वेडिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है एक गियर है ये। उसके अलावा मैं एक यूज़ करता हूँ इस लाइट स्टैंड, यानी कि इस पर मैं अपनी जो गॉडॉक्स की लाइट लगा लेता हूँ और ये मेरा असिस्टेंट उठा लेता है, तो ये एक तरह से बूम स्टैंड का भी काम करता है फ्रेंड्स। उसके अलावा जो है मेरे पास में है ये 15 इंच की जो है 15x4 इंच की जो है मैकबुक प्रो, काफ़ी रॉबस्ट ये एक लैपटॉप है और मेरा कैलिब्रेटेड लैपटॉप है, तो मुझे कलर्स देखने होते हैं, इमेजेस में ट्रांसफ़र करता हूँ, तो मैं अपने प्री वेडिंग की इमेजेस शूट करने के बीच में ब्रेक लेके मैं सब इमेजेस ट्रांसफ़र करके देख लेता हूँ कि मेरा शूट ठीक ठाक आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके साथ जो है ये ट्रांसफ़र वायर आप देख रहे हैं, ये मेरा ट्रांसफ़र वायर है इसके साथ, और इमेजेस जो है बहुत ही जल्दी ट्रांसफ़र होती हैं। ये USB 3.0 वर्जन है तो बहुत जल्दी जो है स्पीड बहुत अच्छी है इसकी। उसके साथ मैं कैरी करता हूँ फ्रेंड्स अपनी ये एक WD की 2 TB मेरी हार्ड डिस्क एक्सटर्नल, तो ये भी काफ़ी फास्ट है। और जब जनरली मेरा जो डेटा होता है करीब 20-30 GB का डेटा होता है प्री वेडिंग का, तो करीब 12-15 मिनट में ट्रांसफ़र हो जाता है इस पर। सो ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्सेसरी है प्री वेडिंग के लिए। और उसके अलावा ये आप देख पा रहे हैं ये मेरा टेदर केबल है, अगर मुझे टेदरिंग करनी होती है यानी कि लाइव देखना होता है शूट को सीधा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो मैं ये वायर यूज़ करता हूँ। अब बात करते हैं मेरे कैमरा और लेंसेज के बारे में फ्रेंड्स। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये मेरा कैमरा बॉडी है निकॉन D800E, ये मैं यूज़ करता हूँ अपनी प्री वेडिंग फोटोग्राफी के लिए। इसका रीज़न ये भी है फ्रेंड्स कि ये जो कैमरा बॉडी है एक तो 36.3 MP की है, तो जो भी इमेजेस अगर मेरी थोड़ा शॉट जो है थोड़ा लॉन्ग भी है तो मैं इमेजेस को क्रॉप कर पाता हूँ बिकॉज आई एम यूजिंग 36.3 MP कैमरा, तो मुझे डिटेलिंग बहुत अच्छी मिल जाती है इसमें। और अगर मैं अपनी इमेज क्रॉप करता हूँ तो भी मेरी जो डिटेल है वो इतनी जो है लॉस नहीं होती है, स्टिल मुझे इमेजेस बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल जाती हैं इस पर। और दूसरा जो इसमें मुझे ड्रॉबैक यही है इस कैमरा पे कि ये बहुत हायर मेगापिक्सल है 36.3 MP, तो अगर थोड़ा भी शेक हुआ तो इमेज में नॉइज़ आने का या ब्लर होने का चांस होता है, क्योंकि 36 MP बहुत होते हैं। ये हालांकि फुल फ्रेम बॉडी है लेकिन फिर भी फुल फ्रेम सेंसर के लिए 36 MP काफ़ी ह्यूज एक मेगापिक्सल्स होते हैं, तो बेटर ये होता है कि इस तरह की अगर आप 36 MP या 50 MP या आप बियॉन्ड अगर आप 26 MP के ऊपर शूट कर रहे हैं तो ट्राईपॉड यूज़ करिए ट्रिकी शॉट्स में, या फिर आपका हाथ बहुत स्टेबल होना चाहिए शूट करते वक्त ताकि इमेजेस आपको क्रिस्पी और क्लियर मिले। अब बात करूँगा मेरे लेंस की, तो जो मेरा फेवरेट लेंस है फ्रेंड्स ये है मेरा लेंस प्री वेडिंग का सबसे फेवरेट लेंस है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है मेरा 85mm 1.4G लेंस है जो मेरा बहुत फेवरेट लेंस है फ्रेंड्स। और इस पर मेरा बहुत सारा काम हो जाता है, इस पर मेरे जो पोर्ट्रेट शॉट्स होते हैं वो मैं आराम से ले पाता हूँ, प्री वेडिंग के 3/4 तक इमेजेस इसमें अच्छे से आ जाती हैं। और ये जो लेंस है फ्रेंड्स सबसे अच्छी बात ये इस लेंस की कि इसमें बुके जो है वो बहुत ही अच्छा मिलता है, बैकग्राउंड भी बहुत अच्छे से ब्लर होता है,
तो ये लेंस है बहुत ही अच्छा है, 1.4G है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं अगर शाम के टाइम या अर्ली मॉर्निंग में शूट कर रहा हूँ तो भी 1.4 के होने के कारण जो है मुझे लाइटिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं आती है, और मुझे जो है मैं पूरा इसको जो है वाइड ओपन जो है पूरा खोल लेता हूँ इसका अपर्चर, और स्टिल आई गेट ब्यूटिफुल इमेजेस इवन इन लो लाइटिंग कंडीशन। तो इसमें मेरा बहुत सारा काम हो जाता है प्री वेडिंग का। उसके बाद जो दूसरा लेंस मैं यूज़ करता हूँ अपने प्री वेडिंग के लिए वो है मेरा फ्रेंड्स ये 24-70 f/2.8 लेंस। और ये लेंस जो है फ्रेंड्स बहुत ही रेजर शार्प लेंस है फ्रेंड्स। स्पेशली ये लेंस मेरे काम आता है जब मुझे अच्छी लैंडस्केपिंग करनी होती है अपने ब्राइड और ब्राइड ग्रूम के साथ, बैकग्राउंड को भी लेना होता है और साथ में ब्राइड ग्रूम को भी और सब्जेक्ट को भी लेना होता है। और मुझे अगर अच्छी लोकेशन पे शूट कर रहा हूँ तो मैं लोकेशन और अपना सब्जेक्ट दोनों को इस लेंस के कारण जो है मैं मिक्स कर पाता हूँ। सो ये लेंस है मेरा बहुत ही काम का, स्पेशली वेडिंग फोटोग्राफी में लेंस मुझे बहुत काम आता है फ्रेंड्स। सो ये दो लेंसेज हैं जो मैं हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ जब भी मैं प्री वेडिंग फोटोग्राफी कर रहा हूँ। हाँ, उसके अलावा मेरे पास और भी लेंसेज हैं फ्रेंड्स, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ सिर्फ मेन वो चीज़ शेयर की है जो मैं अक्सर अपने साथ कैरी करता ही हूँ अगर मैं कोई भी प्री वेडिंग शूट कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। सो फिलहाल ये मैंने आपके साथ एक वीडियो बना के शेयर किया है। सो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरे गियर्स पसंद आए होंगे, और आप भी अगर अपने गियर्स खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर खरीदिए। आप ज़रूरी नहीं है कि आपको यही जो मैंने सब गियर्स दिखाए हैं यही गियर्स आपको खरीदने हैं। बस आप ये ध्यान रखिए कि 85 mm लेंस नहीं है तो आप 50 mm लेंस पे भी काम चला सकते हैं, और 1.4 नहीं है तो 1.8 भी चलेगा, और 24-70 नहीं है तो 17-55 का भी चलेगा, या 24-105 का लेंस है आपके पास तो वो भी चलेगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्री वेडिंग कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आप हर तरह के शॉट्स को कवर कर पाएँ, फिर वो चाहे पोर्ट्रेट हो, क्लोजअप शॉट्स हो, या फिर जो है वाइड एंगल शॉट्स हो। तो बेसिकली ये थोड़े गियर्स थे जो आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, लाइक करा करिए। थोड़ा अच्छा लगता है जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का। और चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है तो दबा दीजिए भैया, चैनल सब्सक्राइब तो करा करो दोस्तों। चैनल सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो फिर जो है और भी मज़ा आएगा और भी वीडियोज़ बनाने में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।